देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज अपराध के खिलाफ। हाथरस में हुई वाल्मीकि समाज की युवती के साथ दुराचार के बाद मौत की घटना को लेकर केवल दलित व वाल्मीकि समाज में ही रोष नहीं है, बल्कि इस सारे मामले में पूरे प्रदेश में यूपी में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि आज वाल्मीकि समाज के अनेक संगठनों सहित समाजवादी पार्टी ने नगर पालिका से लेकर तहसील चौराहे तक एक पदयात्रा भी निकाली थी। हालांकि इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किया गया था, तो वहीं लोग हाथों में बैनर तक तिले न्याय की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि हाथरस में दलित युवती के साथ जो घटना घटी उसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने वाल्मीकि समाज की अनेक संस्थाओं को साथ लेकर, जिनमें महर्ष वाल्मीकि सेना, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा, उत्तर प्रदेशी सफाई कर्मचारी संघ व भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के लोगों ने एक जोरदार प्रदर्शन सरकार के खिलाफ किया, तो वहीं महर्षि वाल्मीकि सेना उत्तर प्रदेश के जिला अध्यक्ष पीयूष मांडोठिया वाल्मीकि ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से दलित समाज पर खुलकर अत्याचार बढ़ गए हैं। प्रदेश में संपूर्ण समाज भयभीत है, तो वही 14 सितंबर को जनपद हाथरस में एक गांव में दबंग श्रोणों द्वारा दलित समाज की बेटी के साथ दुराचार एवं उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी तक टूट गई थी, जिसके बाद उसका 14 दिन के इलाज के दौरान मौत हो गई थी। प्रशासन को केवल इसी से पेट नहीं भरा, तो प्रशासन ने आनन फानन में बच्ची का शव परिजनों को सुपुर्द न कर उसका क्रियाक्रम रात में स्वयं ही कर दिया। आखिर प्रशासन किस चीज से इतना भयभीत था जो उसको इस तरह के कदम उठाने पड़े। वही समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष सुबोध नागर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हाथरस में हुई घटना बहुत निंदनीय है। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है, जो कानून व्यवस्था में बिल्कुल फेल होती दिखाई दे रही है। आज इसी को लेकर हम लोगों ने वाल्मीकि समाज के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया व एक पैदल मार्च भी निकाला, जिसके बाद एक ज्ञापन हमने उपजिलाधिकारी हापुड़ को भी सौंपा है, जिससे मांग की गई है कि पीड़ित के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि, वहीं एक सरकारी नौकरी भी पीड़ित के परिजनों को मिलनी चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर जल्द से जल्द ऐसे लोगों को फांसी देनी चाहिए। तो वही हाथरस प्रशासन द्वारा जो बच्ची के शव को उसके परिजनों को नहीं दिया गया और स्वयं भी इसका क्रियाक्रम किया गया, जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गलत तो है ही, इस तरह का कृत्य निंदनीय है। ऐसे अधिकारियों पर भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वाल्मीकि जो प्रदर्शन कर रहे हैं, किस चीज को लेकर कर रहे हैं? हमारी हाथरस में 14 सितंबर को जो हमारी बहन मनीषा के साथ ये कुकृत्य किया है स्वर्ण समाज के लोगों ने, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। वो चारों गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन हमें उनकी फांसी के बिना कुछ मंजूर नहीं है। 1 करोड़ रुपए की मदद हमारे परिवार को मिलनी चाहिए और सरकारी नौकरी फांसी की सजा उन अभियुक्तों को मिलनी चाहिए। हमारी यही मांग है वाल्मीकि समाज की। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, क्या करेंगे? पूरी नहीं होती वाल्मीकि समाज पूरे प्रदेश का, पूरे देश का सड़कों पे आ जाएगा, सफाई व्यवस्था ठप कर देगा। जब तक ये मांगे नहीं होने, हमारी बहन बेटी की सवाल है, सफाई व्यवस्था ठप कर दी है पूरे देश की। ये जिस तरीके से हाथरस के अंदर एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ दरिंदगी हुई है, गैंगरेप करने के बाद उसकी जीभ काट दी जाती है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, हाथ तोड़ दिया जाता है, पैर तोड़ दिया जाता है, 14 दिन जिंदगी और मौत के जूझ कर उस बच्ची ने अपने प्राणों का बलिदान देने के बाद इस हाथरस के प्रशासन ने, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उस बेटी के अंतिम दर्शन भी अपने परिवार को नहीं करने दिए। उस बेटी को जबरदस्ती जंगल में ले जाकर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक आक्रोश वाल्मीकि समाज में नहीं, हर समाज में पूरा आक्रोश है और पूरे समाज की आज ये मांग रही है कि परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाए, सरकारी नौकरी दी जाए, घर दिया जाए, आवास के लिए कम से कम 5 एकड़ जमीन दी जाए और फास्ट ट्रैक चला के उन चारों अपराधियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने का ये लोग काम करें, ऐसी सभी समाज की आज मांग रही है। ये एक आंदोलन छोटे रूप में आज यहाँ देखने को मिला है, आने वाले वक्त में अगर इससे बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी तो कोई भी समाज का आदमी पीछे नहीं हटेगा। इसमें आगे बढ़कर जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, देश के अंदर देखने को मिल रहा है, हर वर्ग दुखी है,
किसान बेहाल है, मजदूर बेहाल है, नए नए पोपगंडे सरकार लाती है अपनी नाकामी को छिपाने के लिए, लेकिन आज हर वर्ग जागरूक हो चुका है। जब तक इस सरकार को उखाड़ के नहीं फेंकेगा कोई भी आदमी शांति से बैठने के लिए तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज़, अपराध के खिलाफ।